हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनाक्षी मैजिकल किचन। आज हम बनाएंगे क्विक चना मसाला रेसिपी। आप इसे टिफिन रेसिपी भी कह सकते हैं। जब आपको जल्दी हो तो इस तरह से चना मसाला बनाकर तैयार करें। चना मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने लिए हैं, जिन्हें हमने ओवरनाइट सोक करके ले लिया है। आप चेक कर सकते हैं, चने भीग कर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। मसाले को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है, जिसे हम चॉप कर लेंगे। प्याज को आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स और बैचलर्स सावधान हो जाएं, ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्विक भिंडी मसाला रेसिपी लेकर आई थी, और ये रेसिपी भी आपके लिए मैं जल्दी से बनने वाली टाइम सेविंग रेसिपी लेकर आई हूँ। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें सारी चीज़ों को कट करके ऐड करते जाएंगे। एक टमाटर लिया है, इसे भी कट करके ऐड कर देंगे। टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ हमने अनारदाना ऐड किया है, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च करीब 1 टेबल स्पून और हींग। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। एक कुकर में सारे चने डाल देंगे और पानी डालकर हम इसे करीब 4-5 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। आपके पास मिक्सर जार नहीं है, डोंट वरी, जब आप चने उबालेंगे तो सारी चीज़ें कट करके आप इसमें ऐड कर दीजिए। जब चने उबलेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया से कुक हो जाएंगी और मैश हो जाएंगी। और हाँ, इस प्रोसेस से तेल बहुत कम यूज़ होगा और हेल्दी टेस्टी रेसिपी बनेगी। यहाँ हमने ऐड किया है छोला मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। कुकर के ढक्कन को करेंगे बंद और 5-6 सीटी आने तक वेट कर लेंगे। तो आप देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, कुक हो गए हैं, और कलर आप देख ही सकते हैं। सारी चीज़ों को साथ में कुक करने से चनों के अंदर सारा स्वाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, चने और भी टेस्टी लगेंगे। तो हमने चेक किया, चने अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे और आप मसाले अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने एक तेज पत्ता और 4 हरी मिर्च ऐड की हैं। अदरक लहसुन हमने यहाँ पर जूलियंस में कट किया है, आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इन्हें कुक हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चनों में हम मसाला ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, इसके बाद थोड़ी देर इन्हें कुक होने देंगे। अगर आप इसे सब्जी की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, और अगर आप सूखे चना इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे सुखा कर इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस ऑप्शनल है। तो है ना ये टेस्टी, टाइम सेविंग और क्विक रेसिपी। नॉर्मल रेसिपी में पहले चने कुक करना होता है, बाद में मसाला बनाना होता है, फिर उसे और कुक होने देना होता है। ये रेसिपी इतनी जल्दी बनकर तैयार हुई है। आप इसे बनाएं और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताएं। कमेंट ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। साथ ही रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और कैसी लगी रेसिपी अगर पसंद आई है तो हमें बताना ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो कंजूसी नहीं करना है, भर भर के इस रेसिपी को अपना प्यार दें। बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।